आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। किसी भी तरह की वीडियो शूट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। तो अपने कलम का धर्म निभाने वाला एक ऐसा कवि हमारे बीच में है जो कवि सम्मेलन के मंचों पर बहुत धूम मचाते हैं, जो नीमच मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, जिनका नाम है श्री सुरेश सन्नाटा जी। वीर रस के आदि कवि हुए हैं श्री चंद बरदाई जी, और उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उनका दोहा था कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इसी दोहे से अनुमान लगाकर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब उन्हीं के किले में अंग्रेजों ने नजरबंद कर लिया, तो अंग्रेजों के एक भक्त ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहा कि दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, कि दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो देशभक्ति की बात कहने वाला, देशभक्ति के विषयों पर अपनी कविताएं लिखने वाले एक ऐसे वरिष्ठ कवि जिन्हें मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, श्री सुरेश सन्नाटा जी। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं सुरेश सन्नाटा जी। सतमोला की चौपाल के सभी दर्शकों का अभिनंदन वंदन, देश के दर्शकों का वंदन अभिनंदन।
आदरणीय कीर्ति बहन का वंदन अभिनंदन। माँ शारदा के चरणों में चार पंक्तियाँ रखता हूँ, उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूँ कि माँ मैं भिखारी तुझसे ज्ञान मांग रहा, माँ मैं भिखारी तुझसे ज्ञान मांग रहा, वतन की खुशहाली का दान मांग रहा, तो कर दे लगा दे जो आतंकियों की लंका में आग, फिर से मैं वह हनुमान मांग रहा। कि पूजा ग्रह से थोड़ा सा चंदन लाया हूँ, पूजा ग्रह से थोड़ा सा चंदन लाया हूँ, जनमानस की आवाज हूँ, थोड़ा सा क्रंदन लाया हूँ, और मेरी काव्य विधा समर्पित आपको, आप सबके नाम अपना वंदन लाया हूँ, आप सबके नाम अपना वंदन लाया हूँ। एक अभी बात कही, मैं वर्तमान की बात करूँगा, देश की बात करूँगा, तो एक चार पंक्तियाँ और रखना चाहता हूँ कि जिंदगी ने मेरी वतन परस्ती का उन्वान लिखा है, जिंदगी ने मेरी वतन परस्ती का उन्वान लिखा है, अरे वतन को ही मैंने अपना भगवान लिखा है, तो अपनी पूजा इबादत की अरज में दोस्तों मैंने मंदिर मस्जिद नहीं हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है। और अभी एक नई कविता जो अभी एक वायुपुत्र ने इस देश में जो कर दिखाया उसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि सेना का सम्मान लेकर लौटा है, सेना का सम्मान लेकर लौटा है अभिनंदन, वतन की शान लेकर लौटा है अभिनंदन, तो शौर्य की मिसाल लेकर लौटा है अभिनंदन, अरे दिखा देश भक्ति का पराक्रम लौटा है अभिनंदन, देश कर रहा लाड़ले जाबाज का अभिनंदन, वंदन है अभिनंदन वंदन है। और क्या है हमारे देश का जो जवान है उसकी हिम्मत क्या है, एक चार पंक्तियां बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई कृति बहन, याद नहीं आ रही चलो, कि जाबाज जवानों की हिम्मत का हम वंदन करते हैं, अरे जाबाज जवानों की हिम्मत का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन जैसे बेटों का हम अभिनंदन करते हैं, तो सीमा पर हर पल जो करते पहरेदारी हैं, सीमा पर हर पल करते जो पहरेदारी हैं, अरे रग रग में समाई देशभक्ति की खुददारी है, तो देश पर जब भी दुश्मन ने आंख उठाई है उसे घर में घुसकर उसकी औकात दिखाई है, उसे घर में घुसकर उसकी औकात दिखाई है, तो दुश्मन की छाती पर चढ़ उसका मर्दन करते हैं, और अभिनंदन जैसे बेटों का हम अभिनंदन करते हैं। तो भारत की सेना का दुनिया में नहीं कोई सानी है, भारत की सेना का दुनिया में कोई नहीं सानी है, गिन गिन मारे दुश्मन को वो हिंदुस्तानी पानी है, तो सुन पाक तेरी गीदड़ भपकी हमें डरा नहीं पाएगी, और मान जा वरना तेरी धरती लाशों से पट जाएगी, मान जा वरना तेरी धरती लाशों से पट जाएगी, क्यों कि कृष्ण के वंशज हम फन कुचल नर्तन करते हैं, और अभिनंदन जैसे बेटों का हम अभिनंदन करते हैं वंदन करते हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर आप और सुना दो कुछ पंक्तियाँ, कुछ लोग इस देश में रहते हैं, कोई कहता है मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूँगा, कोई कहता है वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, चार पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर इसी हमारे राजस्थान में है, तब चार पंक्तियाँ उन लोगों के नाम बोल रहा हूँ जो भारत माता की जय हो या वंदे मातरम बोलने से इनकार करते हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि वतन की मिट्टी का चंदन तिलक तुम्हें लगाना पड़ेगा, अरे वतन की मिट्टी का चंदन तिलक तुम्हें लगाना पड़ेगा, अरे आज नहीं तो कल वंदे मातरम गाना पड़ेगा, हम भी तो चढ़ाते हैं ख्वाजा को आस्था की चादर, इसलिए तुम्हें भी अयोध्या में सिर झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, ये देश यहाँ सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, ये क्या है कि सियासी चालें हैं, दो पंक्तियाँ सियासी चालों पर बोलता हूँ कि भरोसा नहीं, भरोसा नहीं इन सियासी गलियारों का, भरोसा नहीं इन सियासी गलियारों का, कब सौदा कर दे वतन की बहारों का। तो ये सांप्रदायिक
कोई जहर यहाँ नहीं है, तब चार पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि न राम के लिए लड़ो न रहमान के लिए। अरे न राम के लिए लड़ो न रहमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो वतन की शान के लिए, और चुन चुन कर काट दो उन कमीनों की गर्दनें जो कलंक हैं हिंदुस्तान के लिए। कि शैया पर मृत्यु किसी वीर की होती नहीं है। ये भारत एकमात्र देश है जिसके वीर पुत्र सीमा पर दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दे। पूरे विश्व में ऐसी कोई सेना नहीं है जो देश की रक्षा में इस प्रकार क्या पढ़ रहा था मैं, क्या लाइन बोली थी सर, मैंने बोली है। हाँ, शैया पर मृत्यु किसी वीर की होती नहीं है, शैया पर मृत्यु किसी वीर की होती नहीं है, सीमा पर लगी आंख प्रहरी की कभी सोती नहीं है, और जिस जननी ने जने हैं सपूत वो उसके बलिदान पर कभी रोती नहीं है। और ये राजस्थान हमारे देश की जो वीर प्रसूता भूमि है, चार पंक्तियां इस देश ने क्या क्या दिया है कि जहां मीरा की प्रेम पिपासा, अरे जहां मीरा की प्रेम पिपासा गरल पीकर भी जी जाती है, जहां मीरा की प्रेम पिपासा गरल पीकर भी जी जाती है, अरे जहां हाड़ी रानी काट शीश थाल में सजाती है तो प्रताप की खुददारी से भरा मेवाड़ का इतिहास, अरे जहां पन्ना कर्तव्य पर पुत्र का बलिदान चढ़ाती है, ये देश है मित्रों। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का एक बार पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा सभी भाइयों को सभी कवियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल का जो कार्यक्रम 16 साल से निरंतर प्रत्येक रविवार को जो चल रहा है, और उसमें जिसके दर्शकों की संख्या भी तकरीबन 19 लाख हो गई है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ कवियों की भाषाओं में गिरावट आ गई है जो एक निंदनीय कार्य है और शोचनीय है। इससे हमारी साहित्य परिषद की तरफ से मैं उसकी निंदा करता हूं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक भाषा की मर्यादा लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, खाली एक हंसाने की या एक वाहवाही लूटने की एक उनकी आदत बन गई है, अपनी मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। मैं इस बात की उनकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसकी उनको बधाई देता हूं, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इससे हमारा देश अच्छा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा जो प्रयास ही है ये सफल रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने वनवासी रक्षा परिवार की तरफ से, हरि सत्संग समिति की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से, मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजकों को, साहित्य परिषद को मैं बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम चलता रहना चाहिए ताकि हमारी साहित्य की मर्यादा बची रहे। मेरा सबसे ये निवेदन है, इसमें पूरा सहयोग करें।
आए ऋतु राज तो बिसार सब काज कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती हंसा के जलपत जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। क्या आपको किसी भी तरह की वीडियो शूट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस। और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस।